बीते रात बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। विजय सिन्हा ने बिहार में बढ़ रही आपराधिक वारदातों के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश पर बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार अपने संरक्षण में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलाती है। विजय सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन सरकार एक खास वर्ग को टारगेट कर रही है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में बीते रात प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की निर्मम हत्या और उनके दो निजी अंगरक्षक की हत्या को दिल झकझोर देने वाली वारदात करार दिया है। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड के मामले को CBI से जांच करवाने की मांग की। आशुतोष शाही जी का जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया, ये हत्या और जो उनके परिवारों से हमने मिला और बातचीत हुआ, पहले से ही इनको रंगदारी मांगने की धमकी मिल रही थी। इसके पूर्व भी यहां इस तरह की घटनाएं घटित हुई है, कई हत्याएं हुई है, और प्रशासन को जानकारी रहने के बाद भी समय पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं बनाना, आशुतोष शाही जी को सरकारी बॉडीगार्ड मिला था, ये महागठबंधन की सरकार आने के बाद इनके बॉडीगार्ड को वापस ले लिया गया, उसके बावजूद इन्होंने कई बार इसके संदर्भ में प्रशासन को सावधान भी किए, और वकील के घर पर जहां घटना घटित हुआ कई राउंड गोली चला अत्याधुनिक हथियार से। लोग बता रहे हैं कि मैगजीन बदल बदल कर गोली मारी गई। एक घंटे के बाद पुलिस का पहुंचना ये सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा किया गया हत्या है, और सत्ता का संरक्षण खुलकर मुजफ्फरपुर में पहले से अपराधियों को मिल रहा है। आज प्राइवेट बॉडीगार्ड इनका दो दो मारा गया, दो लोग घायल भी हैं, और इस तरह की घटना पर प्रशासन की उदासीनता निकम्बापनी, ये सरकार के कठपुतली बनकर के रह गए हैं। एक खास वर्ग को, खासकर व्यवसायी को और व्यवसाय से जुड़े लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मेयर की भी हत्या हुआ, पूर्व मेयर का, इनकी हत्या है, हर दिन हत्याओं की दौर मुजफ्फरपुर के अंदर चल रहा है, और यहां के निकम्बे प्रशासन को सरकार पोषित करके क्यों रखे हुए है? इसके पूर्व भी सहनी समाज के लोग की हत्या हुआ था, उसमें भी हम आए थे, साफ जिस पर FIR का नाम आया था, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उसको बचाने का खुलकर खेल खेले, क्यों अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़े? आखिर कितनी लाशों पर आपकी शांति होगी? मुख्यमंत्री जी उस बिलखते बच्चे को देखिए, उस विधवा का कौन इंसाफ करेगा? आप खुलकर टारगेट कर रहे हैं व्यापार से जुड़े लोगों का, और आपके गुंडे रंगदारी मांगने के चक्कर में इन लोगों की हत्या कर रही है। इसकी उच्च स्तरीय CBI से जांच कराइए, तभी इंसाफ मिलेगा, और मुजफ्फरपुर में ये लाशों का ढेर जो लग रहा है वह खेल खत्म होगा। ये नरसंहार है, महागठबंधन के बाद फिर से नरसंहारों का खेल शुरू हो गया, और ये सत्ता संरचित नरसंहार है, और इनको इंसाफ देने के लिए आपको हर हाल में, अगर जो आप चाहते हैं कि न्याय मिले, तो CBI से इसकी जांच कराइए, सत्य से लोग अवगत हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके।
क्योंकि इसके पहले भी हत्याओं में एक दूसरे को जो लोग ये खेल खेल रहे हैं बैठ करके आपके सत्ता के संरक्षण में बाल बाल वो बच रहे हैं और उनको बचाया जा रहा है, और आपके कठपुतली प्रशासन पूरे केस को डाइवर्ट कर रहा है। हमने प्रमाण है, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है कि बिहार के अंदर हर जिले के अंदर गोली नहीं चल रही है, रंगदारी नहीं मांगी जा रही है और हत्या नहीं की जा रही है। आप ही के शहर के अंदर लोग बता रहे हैं कि आज 50 से ऊपर हत्या हो चुकी है और कई लोगों को गोली के शिकार होकर के इलाज करवा रहे हैं। यही सुशासन है। करनी कथनी में अब समरूपता नहीं, समझौता करके कुर्सी बचाने के लिए एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। दहशत में लोग हैं। मुख्यमंत्री जी, ये सुशासन है तो आपके जैसे लोगों से बिहार को मुक्ति चाहिए। सत्ता में बैठे अपराधियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खुलकर हस्तक्षेप करते हो और कठपुतली प्रशासन मौन रहता है तो कैसे न्याय की बात होगी? जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, सत्य सामने नहीं आएगा।